अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज जो है हम लोग बात करेंगे ज़ैनब जमील के हवाले से। बहुत जाना माना नाम है शोबिज़ इंडस्ट्री का। इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक न्यूज़ एंकर से, और उसके बाद वो होस्टिंग में आ गई, और कुछ अर्सा उन्होंने ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं इन पर होस्टिंग की, और फिर एकदम जो है शोबिज़ की चकाचौंध में उनका नाम जगमगाने लगा। तो कौन नहीं जानता, इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामों में भी काम किया है। तो अभी रिसेंटली ही उनकी एक ट्वीट आई है, और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आई एम प्राउडली अनाउंस दैट आई वॉन्ट बी कंटिन्यूइंग माई कैरियर एज एक्टर एंड मॉडल। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ चूजन मी टू बिकम स्टूडेंट ऑफ कुरान एंड हदीस एंड लर्न मोर अबाउट आवर दीन इस्लाम। तो यानी कुरान और मज़हब की खातिर जो है उन्होंने फैसला किया है कि वो शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ रही हैं। अब पता नहीं उनके फैसले में कितनी सदाकत है, और वो कब तक शोबिज़ इंडस्ट्री से दूर रह सकती हैं। जो है बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी पहले काफ़ी सारी ट्वीट्स की थी शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने की, जिनमें सरे फहरिस्त हैं हमज़ा लियाबासी, लेकिन वो जो है ज़्यादा अरसे तक दूर नहीं रह सके थे। और फिर जो है हम उन्हें एज अ होस्ट शोबिज़ की दुनिया में देख रहे हैं। फिर फिरोज़ खान जी, इन्होंने रिसेंटली अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी, उनका एक बेटा भी है। उन्होंने भी जो है उम्रा करने के बाद ऐलान किया था कि मज़हब की खातिर जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, लेकिन अब जो है दोबारा से उन्होंने कमबैक किया है। तो ये शोबिज़ की दुनिया एक चकाचौंध दुनिया है, और कोई इसको इतनी इजीली नहीं छोड़ सकता। सिर्फ यही नहीं, और भी कई अदाकाराओं ने जो है ऐलान किया कि जी मज़हब की खातिर हम शोबिज़ की दुनिया को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ सके। तो इनके जो मतलब ड्रामे थे वो मुझे याद आ गए हैं, जो उस वक्त मैं भूल गई थी, क्योंकि जो है मेरी मदर बहुत शौक से इनके ड्रामे देखती थी, और उनको जो है मैं ये डाउनलोड करके देती थी। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ड्रामों में काम किया, और अपनी अदाकारी के साथ जो है अपना नाम मनवाया। तो इनके जो ड्रामे थे उसमें एक था मनचली ड्रामा, और एक है मिलके भी हम ना मिले। उसके बाद इन्होंने कनीज ड्रामे में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, और फिर सदा सुखी रहो, और एक ड्रामा इनका बहुत चला था ससुराल मेरी बहन का। वो तो इतना सोप सीरियल था कि मैं तंग आ गई थी, कि वो समझ लें सांप की जो दुम होती ना खिंचती चली जाती है, वो शैतान की आंत, उतना लंबा ड्रामा था। तो ये कुछ ड्रामे जो थे इनके, इनमें उन्होंने जो है ना काम किया, लेकिन अब जो है वो कह रही हैं कि वो शोबिस की जो है दुनिया उसको छोड़ रही हैं। तो मेरी दुआ इनके साथ है, और मैं ये भी नहीं वसूख से कह सकती कि परमानेंटली छोड़ेंगी या नहीं। और इंस्टाग्राम पे इन्होंने जो है अपना मैसेज दे दिया, तो फ्यूचर के लिए देखते हैं कि कब तक और कितने अरसे तक जो है ये शोबिस की चकाचौंध रौनकों से अपने आप को दूर रखती हैं, क्योंकि बहुत सारे नामवर अदाकार जो हैं वो दोबारा अपनी बात कहकर वापस शोबिस की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो आज के लिए आप लोगों के साथ बस इतना ही, आपसे मुलाकात होती है एक नई न्यूज़ फीड के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अपनी अमानत।